नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप संसार का सबसे विकसित महाद्वीप है। इसी के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक हिमपात वाला महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश है और सभी देश विकसित है। यूरोप महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल में छठवां व जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप व एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है, जबकि यूरोप अकेले को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कारण क्या है? यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर जाता है, पूर्व में अटलांटिक महासागर जाता है और दक्षिण के अंदर भूमध्य सागर जाता है। एक तरफ से यह एशिया से अलग होता है युराल पर्वत, युराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, काला सागर, ये इसको एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। इधर ये स्पेन पुर्तगाल वाला आ जाएगा, इटली वाला आ जाएगा, ऊपर भी प्रायद्वीप बन रहे हैं, यहाँ पे प्रायद्वीप बन रहा है, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है। यूरोप संसार का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। ये यूरोप की सबसे बड़ी विशेषता है। यूरोप में कुल 46 देश है, जिनमें से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस आता है, फिर फ्रांस आता है। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम धारा बहती है, अटलांटिक महासागर में एक गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम, जिसे यूरोप का कंबल कहते हैं, क्योंकि इस धारा का यूरोप के बंदरगाह जमते नहीं, इसीलिए कहा जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपके लंदन आ जाएगा, एक ब्रिटेन आ जाएगा, इसमें लंदन इसकी राजधानी, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। इधर आइसलैंड आ जाता है, एक द्वीप है यूरोप का। यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस वाला इंग्लिश चैनल करता है। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर व अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, ये इंग्लिश चैनल है। फ्रांस इधर आ जाएगा, फ्रांस और ब्रिटेन को अलग कौन सा चैनल करता है? इंग्लिश चैनल करता है। यही से लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से लंदन के अंदर एक भूमिगत रेलमार्ग जोड़ा गया है, जो संसार के सबसे लंबा भूमिगत रेलमार्ग है। फ्रांस को सुराग सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन नगरी कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इधर पुर्तगाल आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, फ्रांस व स्पेन के बीच में पेरेनीज पर्वतमाला आ जाती है। यहाँ पर इटली है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि जैसे भारत में गंगा नदी पवित्र है, वैसे इटली के अंदर पो नदी पवित्र है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय, वैसे इटली के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? आल्प्स पर्वतमाला है। इटली अंगूर व जैतून उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इटली भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश है, इसलिए इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली के इधर एड्रियाटिक महासागर है, नीचे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के अंदर सिसिली प्राइम एक द्वीप है, उसके अंदर स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी, स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि रात के समय सक्रिय ज्वालामुखी होने का इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी को। यहां पर ये यूरोप इधर अफ्रीका आ जाता है। इन दोनों को अलग जिब्राल्टर जलसंधि करती है। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। उसके बाद में यहां पे जर्मनी है। जर्मनी की एक प्रमुख नदी है राइन नदी। राइन नदी पहले फ्रांस व जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, उसके बाद नीदरलैंड और जर्मनी के बीच में बहती हुई आगे उत्तरी सागर में गिर जाती है। राइन नदी संसार का सबसे व्यस्तम अंतर स्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। राइन नदी
यानी राय नदी सबसे व्यस्तम जलमार्ग का निर्माण कर रही है। राय नदी ये जर्मनी के अंदर है, ऊपर डेनमार्क आ जाता है। डेनमार्क है वो संसार में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, डेन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इधर वाले जो ये देश है ये समुद्र में क्या करते हैं, ऐसे फोल्डर बना बना के जमीन प्राप्त कर रहे हैं उत्तरी सागर के अंदर। नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ये देश डेनमार्क छोटा सा देश है डेनमार्क, लेकिन डेनमार्क पर इतना बड़े ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का ही अधिकार है। यहाँ पे एक देश है यूक्रेन, यूक्रेन को कृषि प्रधान देश होने का खाद्यान्न उत्पादन के कारण यूरोप की रोटी का की दलिया कहा जाता है, रोटी की दलिया यूक्रेन को कहा जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड है उसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इसी के अंदर एक नगर है जेनेवा, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर ही है। यहां पर पोलैंड आ जाएगा, पोलैंड इधर वाले जो देश हो बाल्टिक देश कहलाते हैं, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। ऊपर वाले जो देश है उसमें नार्वे आ जाएगा, नार्वे को आधी रात का सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ पे स्वीडन आ जाएगा, इधर फिनलैंड है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को मास्को जो रूस की राजधानी मास्को है उसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है, यानी काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, खेल सागर व लडोगा सागर, इन 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है, मास्को को कहा जाता है। यूरोप के प्रमुख नदी डेन्यूब नदी जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है, यह 8 देशों से होकर गुजरती है। विश्व में सर्वाधिक 8 देशों से गुजर रही नदी कौन सी है, डेन्यूब नदी है, 8 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी की लंबाई 3687 किलोमीटर है जो काला सागर के अंदर गिरती है। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है वो आता है एल्ब्रुज, एल्ब्रुज की ऊंचाई 5642 मीटर है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व के 2 देश ऐसे जो दुग्ध महाद्वीपों में स्थित है, एक तो रूस है, रूस का आधा भाग जो साइबेरिया रूस कहलाता है वो एशिया के अंदर है, बाकी जो मास्को इधर वाला जो पश्चिमी रूस है वो एक यूरोप के अंदर आता है। दूसरा टर्की, टर्की का थोड़ा सा भाग है वो यूरोप के अंदर आता है, टर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। टर्की से लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस तक एक रेलमार्ग है, ओरिएंट रेलमार्ग जो यूरोप का सबसे लंबा रेलमार्ग है, सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग भी। यूरोप महाद्वीप के अंदर कील नहर है जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ने वाले नहर का नाम क्या है, कील नहर। इसलिए इन बात जो भी इधर से कोई जहाज आते हैं उनको इधर से चक्कर नहीं लगाना पड़ता, सीधा बाल्टिक सागर में जा सकते हैं, उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है, यह है कील नहर। इटली अंगूर में जैतून के लिए प्रसिद्ध है, स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान कहा जाता है, यूरोप की रोटी की दलिया यूक्रेन को कहा जाता है। यहां पर यह डोन नदी है, डोन नदी को वोल्गा नदी से जोड़ दिया गया आपस में, इसलिए यूरोप का अंत है, स्थलीय जलमार्ग मिल जाता है यूरोप पर, वोल्गा कैस्पियन सागर ये सब आपस में मिल जाते हैं। यह आपके यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में लंदन आ जाता है जो इसका सबसे बड़ा जनसंख्या में नगर है। इधर आयरलैंड आ जाता है, यह आपके यूरोप महाद्वीप, कुल 46 देश है, सबसे विकसित महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप।